अब वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स से पहले वेव समझना जरूरी है। हालांकि आप सब कुछ भूल चुके हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको याद दिलाने की, और मैं जानता हूँ फिर भी। वाई इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है टाइम टी पर। यहां वाई क्या है, y है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कब, एट टाइम t। किसका, उस पार्टिकल का जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। a क्या है, a है किसी भी एक साइड में मैक्सिमम होने वाला डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और ओमेगा क्या है, ओमेगा अभी बताया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टाइम, जिस टाइम पर आप बात कर रहे हैं वो टाइम इंस्टेंट यहाँ टी है। अब अगर किसी मीडियम में एक पार्टिकल के बाद सक्सेशन में बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे के बाद वाइब्रेशन करना शुरू कर दें, सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू कर दें, तब हम इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वेव बन जाना, वेव ट्रेन, और सिंपली वेव। जैसे मैंने ये बनाया, एक मीडियम की मैं नॉर्मल पोजीशन बना रहा हूं, ये मीडियम और मीडियम के डिफरेंट पार्टिकल्स, ये मैंने डिफरेंट पार्टिकल्स बनाए, बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स मैंने ये बना लिए। अब ये कंडीशन है टाइम जीरो पर। उसके बाद जब टाइम बढ़ा आगे, तो इनमें से एक पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर चला गया, आगे बढ़ गया, बाकी सारे पार्टिकल अपनी जगह है। और ये वाला पहला जीरोथ पार्टिकल, दिस इज जीरोथ पार्टिकल, ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, फिफ्थ पार्टिकल, सिक्स, इस तरह के पार्टिकल, जीरोथ पार्टिकल यहां पहुंच गया। जब टाइम और ज्यादा हुआ तो ये पार्टिकल सारे अपनी अपनी जगह, जीरोथ पार्टिकल और आगे चला गया, ये जीरोथ पार्टिकल और ये फर्स्ट पार्टिकल भी अपनी जगह से आगे चला गया, सेकंड पार्टिकल अभी अपनी जगह पर है। टाइम और पूरा हुआ, टाइम और बढ़ा आगे, ये बाकी पार्टिकल्स रहे। अब ये जीरोथ पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये कंडीशन बन गई, जीरो पार्टिकल यहां पहुंच गया, फर्स्ट पार्टिकल यहां पहुंच गया, सेकंड पार्टिकल यहां पहुंच गया, थर्ड पार्टिकल यहां, तो एक के बाद एक के बाद एक पार्टिकल वाइब्रेट करने लगे। अब ये जीरोथ पार्टिकल नीचे आना शुरू हो गया, जीरोथ पार्टिकल नीचे आना शुरू हो गया, तो जो फर्स्ट वाला पार्टिकल था ये उतनी ऊंचाई पर पहुंच गया, जितनी ऊंचाई पर जीरोथ पार्टिकल है, ये यहां आ गया, थर्ड पार्टिकल यहां पहुंच गया और ऊपर पहुंच गया, और फोर्थ पार्टिकल की पोजीशन ये हो गई। तो अब इनकी पोजीशन ये बनी, और इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक टाइम इज इक्वल्स टू टी पर, टाइम टी पर देखा मैंने तो इन सारे पार्टिकल्स की पोजीशन कुछ और थी, ये इनकी अपनी नॉर्मल पोजीशन, ये इनकी पोजीशन हो गई डिफरेंट पार्टिकल्स की, कोई कोई अपनी मीन पोजीशन पर है, कोई मीन पोजीशन के बजाय एक्सट्रीम पर है, कोई ना मीन पर है ना एक्सट्रीम पर है, बीच में कहीं है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। अब आपने अपने जो ओरिजिन था जीरोथ पार्टिकल, जीरोथ पार्टिकल से एक्स डिस्टेंस पर एक पार्टिकल ले लिया, ये वाला जीरोथ पार्टिकल से एक्स डिस्टेंस पर पार्टिकल ले लिया, तो इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वाई, ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का टाइम टी पर। इस पार्टिकल के का डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनेगी, पूरी इक्वेशन तो मैं बना के दिखाऊंगा नहीं अब आपको, इसे हम लिखेंगे y x t इज इक्वल्स टू, हाँ अब क्या है, ये ओरिजिन से
जो जीरोथ पार्टिकल है, जीरोथ पार्टिकल से एक्स डिस्टेंस पर एक पार्टिकल पी है, टाइम टी पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम लिखते हैं वाई। वाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट, किस पार्टिकल का, वो पार्टिकल जो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वेव का प्रोपेगेशन है ये रहा, वेव आगे बढ़ रही है, वेव आगे बढ़ने का मतलब मोशन लगातार आगे बढ़ रहा है। पहले फर्स्ट पार्टिकल मोशन में आया, फिर सेकंड पार्टिकल मोशन में आया, फिर थर्ड पार्टिकल मोशन में आया, और ये मोशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक आगे बढ़ता चला गया। तो ये जो मोशन आगे बढ़ने का डायरेक्शन है, यही वेव मोशन की डायरेक्शन है। तो मोशन की, वेव मोशन की डायरेक्शन में ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर पार्टिकल पी है, तो इस पार्टिकल पी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस पार्टिकल पी का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हम y x t। इस x और t का न्यूमेरिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये केवल सिंबल है, क्या बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है किस पार्टिकल का, उस पार्टिकल का जो ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। और कब है ये डिस्प्लेसमेंट, टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट है। इक्वेशन बनती है a sin omega t minus x by v, t minus x by v। अब यहाँ t तो वो टाइम हो गया जिस टाइम पर आपने फोटो खींचा है, एक वेव का मैंने फोटो खींच लिया, जिस टाइम पर वेव का मैंने फोटो, टाइम t का मतलब क्या है कि जब इस पार्टिकल, जीरो पार्टिकल ने स्टार्ट किया था अपना मोशन, तो मैंने अपनी स्टॉपवॉच मैंने अपनी स्टॉपवॉच चला दी कब, जब इस पार्टिकल जीरो ने अपना मोशन स्टार्ट करा। और जब मैंने ये फोटो खींचा है, जिस समय ये मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, उस टाइम मेरी घड़ी में, इस स्टॉपवॉच में टाइम हो चुका है टी। तो इस इक्वेशन में टाइम स्पैन है, ये टाइम स्पैन है, जीरो टाइम से लेकर के टाइम टी हो चुका है जब हम ये वी फाइंड कर रहे हैं, वाई फाइंड कर रहे हैं। एक्स क्या है, एक्स डिस्टेंस है जीरो पार्टिकल से उस पार्टिकल तक का डिस्टेंस जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करा जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। और वी क्या है, यहाँ वी वेलोसिटी है, ये वी वेव वेलोसिटी है, यानी कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक मोशन आगे बढ़ने की वेलोसिटी, मोशन आगे बढ़ने की वेलोसिटी है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है। ये जिस वेलोसिटी से, यहाँ वेव मोशन में दो दो वेलोसिटी होती है, एक वेलोसिटी होती है कि डिस्टरबेंस कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, जिसे हम वेव वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे इस टाइम मेरी साउंड है वो 350-330 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है, तो ये वेव वेलोसिटी। लेकिन एयर के पार्टिकल अलग वेलोसिटी से, एयर के पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी के साथ में वाइब्रेट करते हैं ये, तो यहाँ ये वी जो है, ये वी आपका है वेव वेलोसिटी। वाई क्या है, y x t है, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, एट डिस्टेंस x, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन ऑफ वेव, जहां से वेव स्टार्ट हुई है। और कब है ये डिस्प्लेसमेंट, टाइम t पर ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। x क्या है, x है आपका डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल का आप पोजीशन फाइंड कर रहे हो, जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हो, उस पार्टिकल का डिस्टेंस है कहां से, फ्रॉम ओरिजिन ऑफ वेव, वेव के ओरिजिन से। a क्या चीज है, a एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ p, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, वेव एम्पलीट्यूड इसे बोलते हैं, यानी कि इस वेव के बनने में कोई भी पार्टिकल जितनी ज्यादा डिस्टेंस तक जा सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा सकता है, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और v क्या चीज है, यहां पर v है आपका वेव वेलोसिटी, ये वेव वेलोसिटी होगी। और इसी इक्वेशन के दो रूप और हैं, इसी इक्वेशन के दो रूप, तीन तरह से ये इक्वेशन लिखी जाती है, y x t इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। दूसरा, इसी की इक्वेशन का दूसरा रूप है, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा को हमने ओपन कर लिया, कैपिटल स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। यहाँ जो लैम्डा आया है, लैम्डा है ये आपका वेवलेंथ,
वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स इन सेम फेस। अब फेस क्या है, फेस भी आगे देखेंगे। तीसरी इक्वेशन इसी इक्वेशन का रूप है तीसरा, y x t इज इक्वल्स टू a साइन 2 pi बाय लैम्डा और वी टी माइनस x। इसमें भी वही की सारी चीजें, लैम्डा वेव लेंथ है, v वेव वेलोसिटी है। इस तरह से तीन इक्वेशन ये बनती हैं वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की तीन इक्वेशंस बनती हैं ये। पहली इक्वेशन सबसे ज्यादा यूज में आने वाली, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस x अपॉन v। दूसरी इक्वेशन y x t इक्वल्स a साइन 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल t माइनस x अपॉन लैम्डा। और तीसरी इक्वेशन ये वाली है, ये तीन इक्वेशंस बनती हैं सारी। ठीक है, अब टाइम हो चुका है, इससे आगे कल करेंगे।